और किसान आंदोलन से संबंधित दो जनहित याचिकाएं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों को अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। हाई कोर्ट ने राज्यों को एक नोटिस जारी किया जिसमें पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। अदालत ने कहा कि वह संबंधित पक्षों को बैठकर समस्या सुलझाने के लिए कहकर विवाद को सुलझाने के पक्ष में है। इस मामले में अगली सुनवाई आज होनी है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना। आकांक्षा, सुप्रभात। सवाल मेरा ये है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जो तमाम पक्ष हैं उनके साथ सुलझाने के लिए, मुद्दे पर बातचीत के लिए भी सरकार कई कोशिश कर रही है, फिर आंदोलन की वजह क्या है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? जी बिल्कुल, इस बात की तो कोई बात ही नहीं है कि तीन बारी जो है सरकार कोशिश कर चुकी है, एक 8 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को और आज जो है 15 तारीख को। तो कितनी जल्दी जल्दी जो है सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि बैठ के इसका समाधान निकाला जाए। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बार बार आह्वान कर रही है कि वो इस तरीके के एजिटेशन पे ना आए जिससे जनजीवन जो है उनको भी परेशानी होती है और जो लोग हैं आसपास के उनको भी परेशानी होती है। उन्होंने कहा है, हर बार ही उन्होंने कहा है, और ये भी नहीं है कि उनको बुलाया गया है, बल्कि आपने देखा होगा कि तीनों बारी जो है मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री जो है उनके पास गए हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है और पिछली मीटिंग जो हुई थी वो पूरे 5 घंटे चली थी। कल भी जो है एक ऑनलाइन मीटिंग की गई थी। तो सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है, हर एक जो उनकी मांगे हैं उन पे बात कर रही है, पर कुछ एक मांगे ऐसी भी हैं जिनका समाधान एकदम से नहीं निकल सकता है। पर किसान चाहते हैं कि उनका समाधान एकदम से निकाल दिया जाए और फटाफट से जो है कोई भी घोषणा कर दी जाए। तो उस पे सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत करके उसके उसके ऊपर कमेटी बना के और ऐसा कुछ सोल्यूशन लेकर आए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और शॉर्ट शॉर्टकट्स ना लें। और इसीलिए जो है मेरे ख्याल से बार बार बात हो रही है। कहीं ना कहीं जो पिछली बारी की जो मीटिंग थी वो किस एक कंसेंसस पे नहीं आ पाई थी और रात को ही किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बात कह दी थी कि हम जो है कल दिल्ली चलो, जो उनका एक आह्वान था वो उन्होंने करा। और उसके उसके मद्देनजर हमने देखा है कि हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पे, पंजाब से जो लगते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में किसान आके बैठ गए हैं जिससे जनजीवन बहुत अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उधर हरियाणा जो और फार्मर्स के बीच एक स्टैंड ऑफ है जिसके चलते रोज जो है वहां पे आंसू गैस छोड़ी जा रही है ड्रोन से और काफी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हरियाणा में। कई जगहों पर इंटरनेट सस्पेंडेड है, 144 धारा लगाई गई है, लोगों को दिल्ली आना जाना जो है लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ जो कुछ घंटों में सफर हो जाता था उसके लिए बहुत घंटे लग रहे हैं। तो आज भी इसको इसी का संज्ञान लेते हुए तो जो दो PIL हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में दायर की गई थी उसमें एक PIL में तो ये कहा गया था कि किसानों को रोका ना जाए, उनको एजिटेशन करने का पूरा हक है। और दूसरी PIL जो थी उसमें ये कहा गया था कि इससे आम जन को आकांक्षा, पंजाब सरकार ने सुनिश्चित क्यों नहीं किया? क्या उसने नहीं देखा कि जब इतनी हजारों की संख्या में पंजाब से किसान निकले, और उसमें भी दूसरी बात ये अहम है कि किसान राष्ट्र का अन्नदाता जो लोगों की थाली में मुस्कान परोसता है, क्या वाकई में ये वही किसान है जो इस वक्त निकला हुआ है? सवाल बहुत बड़ा है ये। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये एक एक दिन में तो इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती है और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने कुछ कोशिशें नहीं कहीं उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये किसान जो हैं बहुत ट्रैवल कर इस यहाँ तक आए हैं, बॉर्डर तक आए हैं, और अगर इतने बड़े बड़े काफिले 2-3 दिन से चल रहे थे तो क्यों नहीं कोशिश की गई। कल हरियाणा के गृह मंत्री ने भी ये बात उठाई है कि क्या पंजाब सरकार चाहती थी कि ये लोग दिल्ली जाएं। और एक बात और है कि इतनी तादाद में लोग अगर दिल्ली भी आ जाते हैं एजिटेशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या ये सही रहेगा? क्या इससे और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी दिल्ली के अंदर भी?
तो क्या नहीं ये बेहतर है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ही आकर बात करें, और अगर किसी तरीके का कोई उन्होंने आह्वान भी करना है तो वो शांतिप्रिय तरीके से हो सके। और कहीं ना कहीं देखें तो अगर पंजाब में भी आप इस तरफ को जो लोग जो है वो ड्रोन से हरियाणा की पुलिस जो है वो टियर गैस जो फेंक रही थी, तो इधर वो लोग पतंग से जो है उसको काट के डोरी से उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि और चाइनीज डोरी यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी ये जो एक तरीके से देखा जाए कि पंजाब का जो रवैया रहा है वो कंड्यूसिव नहीं है, मतलब अच्छा नहीं रहा इतना, कि जिस तरीके से वो एक तरीके से उनका ना तो रोकने का काम था, रोकने का काम सिर्फ हरियाणा पुलिस कर रही है, अपने बॉर्डर सील कर रही है, और उससे हरियाणा के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, और सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली वासी भी इस मुसीबत से काफी परेशान है, जो ये आंदोलन करने की बात लगातार कही जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने पिछले साल भी देखा था कि काफी हंगामा इस दौरान हुआ था, और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आम जनता को हुई थी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक साझा करने के लिए।